हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो सभी फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड हैं जो आपके आगामी एग्जाम्स में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक लॉर्ड लैंसडाउन को। आज के इस वीडियो में हम लॉर्ड लैंसडाउन से संबंधित सभी जितने भी फैक्ट्स आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं उन सभी पर डिस्कस करेंगे और लॉर्ड लैंसडाउन के सभी कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे जो इसके कार्यकाल में विशेष रहे हों, कुछ स्पेशल रहे हों, जिनको एग्जाम में पूछा भी जाए। देखिए, लॉर्ड लैंसडाउन की सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो सबसे पहली बात याद रखने लायक यही है कि इसका कार्यकाल क्या था, यानी ये भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय किस समय था। तो याद रखना कि ये भारत का वायसराय 1888 ईस्वी से लेकर 94 ईस्वी तक ये भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल रहा था। देखिए, मैं बता दूं कि जब वायसराय इनको बनाया गया था, तो वायसराय के बाद में मैंने आपको बताया था कि ये वायसराय तो जब ये क्या थे कि ब्रिटिश ताज के अधीन कार्य करते थे, उस समय तो ये वायसराय कहलाते थे, लेकिन जब एक सेनापति के रूप में कार्य करते थे तब इनको गवर्नर जनरल कहा जाता था। इस प्रकार ये वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों के कार्य करते थे। देखिए, इनका कार्यकाल 1888 ईस्वी से लेकर 94 ईस्वी तक था। इनसे संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो हमने क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताए हैं यहाँ पर। देखिए, इनके एक समय का कार्यकाल पहला ये था कि किस गवर्नर जनरल के काल में भारत व अफगानिस्तान के मध्य एक सीमा का निर्धारण हुआ था जिसको वर्तमान में डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। देखिए, 1893 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य, यहाँ पे याद रखना कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य की बात है, ये 1893 ईस्वी के समय की बात चल रही है। उस समय भारत और अफगानिस्तान के मध्य में एक सीमा रेखा बनाई गई और उसको नाम क्या दिया गया, डूरंड रेखा नाम दिया गया था। और ये जो रेखा है ये किस गवर्नर जनरल के यानी वायसराय के काल में बनाई गई थी, तो आपको बता दें उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन थे। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन उस समय भारत के क्या थे, वायसराय थे। तो याद रखना कि डूरंड रेखा का निर्धारण 1893 ईस्वी में हुआ था भारत व अफगानिस्तान की सीमाबद्ध रेखा के रूप में, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है ये देख लीजिए। तो देखिए, ये जो सीमा रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ, तो इसका निर्धारण करने वाले व्यक्ति थे सर मार्टिमर डूरंड। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में इस सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था, इस वजह से इस रेखा का नाम डूरंड रेखा नाम रखा गया था। लॉर्ड लैंसडाउन के समय की बात है, वर्तमान में यह सीमा रेखा आज भी मौजूद है, लेकिन ये वर्तमान समय में पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण करती है, भारत व अफगानिस्तान की का नहीं, क्योंकि 1893 ईस्वी में पाकिस्तान भारत का ही एक भाग था और भारत के अंदर ही आता था। 1947 के बाद में भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान एक अलग देश बना, तो जो सीमा रेखा थी ये डूरंड रेखा ये पाकिस्तान में चली गई। इस प्रकार डूरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान व अफगानिस्तान का सीमा रेखा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रिंस ऑफ वेल्स का दूसरी बार भारत आगमन किस वायसराय के काल में हुआ था। मैंने बताया था किंग एडवर्ड सप्तम को प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, ये भारत में पहले भी आए थे 1875 ईस्वी में, उसके बाद में लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1889 ईस्वी में इनकी दूसरी बार भारत आगमन हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लैंसडाउन 1889 ईस्वी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ। तो याद रखना, मैंने बताया था कि जो फैक्ट्री अधिनियम है, प्रथम फर्स्ट फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था, तो उसमें 7 से लेकर 12 वर्ष के जितने भी बच्चे थे उन बच्चों से क्या है कि 11 उन बच्चों से 9 घंटे से अधिक यानी 11 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाएगा, 9 घंटे से अधिक 7 से 12 वर्ष के बच्चों से उसमें प्रावधान था। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, द्वितीय कारखाना अधिनियम में कि इस अधिनियम में एक साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान हुआ था और स्त्री द्वारा 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था कि कोई भी महिला पर 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जाए। और उसमें क्या था कि इसमें महिलाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया था और प्रथम कारखाना अधिनियम में बाल श्रमिकों की स्थिति पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ये बात याद रखनी है। तो दोनों अधिनियम से इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और वो क्या था कि वो अधिनियम केवल उन फैक्ट्रियों पर उन कारखानों पर था जिनकी जिनमें 100 से ज़्यादा श्रमिक कार्य करते हों, ये बात भी याद रखनी है। आप लॉर्ड रिपन की वीडियोज देखिएगा, उसमें हमने प्रथम कारखाना अधिनियम से संबंधित सभी बातें आपको बताई हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर में हुए विद्रोह को शांत करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में ये।
तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लैंसडाउन के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द्वितीय इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 किस जनरल के काल में पारित हुआ था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखना, ये एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है अपने आप में, क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से भारत में क्या हुआ था, निर्वाचन सिद्धांत प्रारंभ हुआ था भारत के अंतर्गत। ये बात याद रखनी है आपको, तो कभी कभार पूछ लेता है कि भारत में जो निर्वाचन सिद्धांत है वो निर्वाचन सिद्धांत भारत में किस एक्ट के माध्यम से प्रारंभ हुआ था, तो याद रखना द्वितीय इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के माध्यम से। तो इसका सही आंसर होगा ये लॉर्ड लैंसडाउन, यानी ये जो एक्ट है लॉर्ड लैंसडाउन के समय पारित हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणपति उत्सव जो महाराष्ट्र में शुरू किया गया था, याद रखना है कि इसको महाराष्ट्र MH यानी महाराष्ट्र में शुरुआत हुई थी इसकी, और इसको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था गणपति उत्सव को, और इसको कब शुरू किया गया था, 1893 ईस्वी में किया गया था, उस समय भारत के बायस आए थे लॉर्ड लैंसडाउन। तो याद रखना ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है कि बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव जब प्रारंभ किया उस समय भारत के बायस राय कौन थे, तो लॉर्ड लैंसडाउन थे। तो लॉर्ड लैंसडाउन से संबंधित दोस्तों ये थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवं फैक्ट्स। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, शेयर भी करिएगा, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूँ कि हम भारत के गवर्नर जनरल और वायस राय की सीरीज चला रहे हैं। हमने अब तक, यानी अब तक हम कह सकते हैं आपको कि 1892 ईस्वी तक जितने भी गवर्नर जनरल और वायस राय हुए हैं वो यहाँ पे इस वीडियो तक हमने कम्प्लीटली आपको बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। आप इनसे पहले के गवर्नर जनरल और वायस राय के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में आपको एक स्पेशल हमने प्लेलिस्ट बना रखी है भारत के गवर्नर जनरल और वायस राय के नाम से, तो आप उसमें क्रम से सभी गवर्नर जनरल और वायस राय के बारे में स्पेशली रूप से पढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमने प्रत्येक की एक अलग अलग वीडियो बना रखी है, वो भी कम्प्लीट डिटेल के साथ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।